ये है RRU रिमोट रेडियो यूनिट, और ये सब आपका पोर्ट लाइट दिख रहा होगा, ये सब ऐसा आगे सामने से ऐसे दिखता है, साइड से ऐसे दिखता है। ये एयर कूलिंग के लिए मैंने लगाया हुआ, इतना छोटा है, बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब एक अटैची के साइज़ का है ये, लगभग एक मीडियम साइज अटैची जो होता है उसके साइज़ का है ये। इसी के अंदर में ये देखिए फाइबर का इनपुट होता है, और दो दो फाइबर और पावर केबल सब इसी के अंदर में जाते हैं। -48 वोल्ट का इसको इनपुट चाहिए, जो बैटरी से मेनली मिलता है, इसको डायरेक्ट एसी इनपुट नहीं देते हैं, इसमें मेनली बैटरी से दिया जाता है। और ये सब बहुत सारा पावर केबल RF केबल यहाँ पे लगेगा, ट्रांसमीटर के लिए, रिसीवर के लिए, एंटीना में कुछ कुछ जाएगा यहाँ से, कुछ कुछ नीचे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है BTS का, उसमें से इसमें RF केबल लगेगा, और ये इस साइड से ऐसा दिखता है। तो इसका मेन काम क्या है कि ये जो आप एंटीना से ये कनेक्टेड होता है, और लगा ये कहाँ होता है, BTS में एकदम ऊपर में लगा होता है, जब आप टावर देखते हैं तो एकदम ऊपर में लगा हुआ होता है वहाँ पर, इतना बड़ा चीज़ कभी देखिएगा टावर के ऊपर में तो ये दिखेगा आपको। और ये मतलब कि जो आप आपके मोबाइल से सिग्नल इसमें जाएगा, और इसमें से ये नीचे इक्विपमेंट में जाता है, प्रोसेस होता है, तो ये रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल, जो फिर मोबाइल से आपका चला गया, फिर दूसरे साइड से कॉल किया, वो इसके होते हुए फिर एंटीना में जाएगा, फिर एंटीना से बाहर निकलेगा सिग्नल, फिर मोबाइल में जाएगा, तो ऐसे ही करता है ये। ये सिग्नल को अगर डिस्टॉर्ट आ रहा है तो इसको बढ़ा सकता है, एम्पलीफाई करता है, मतलब कि फिल्टर करता है गलत और नॉइज़ वॉइस को हटाता है, तो यही है इसका काम। और ये एंटीना के ऊपर लगा रहता है, और ये दिखता है ऐसा है, ये इसमें ये सभी RF केबल है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।